फिर आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे मशाला अगरबत्ती की ब्रांडिंग को लेकर कि किस तरीके से आप सबसे सस्ते कम बजट में वो भी अपने नाम से ब्रांडिंग जो है बना सकते हैं। और जो है ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि कंप्लीट एसेसरीज आपके लिए मैं लेके रखा हुआ हूँ, जिसमें से काफी सारे अलग अलग पैकेजिंग है। ये रोल पैकिंग आपको देखने को मिलेंगी, ये कुछ ट्रांसपेरेंट पाउच पैकिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि बिग साइज में है, स्मॉल साइज में ये हमारे पास और छोटी पैकिंग है। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगी जार पैकिंग में जो कि दो से तीन कैटेगरी में है, जिसमें से आपका 250 ग्राम का पैकेजिंग दिखेगा, इसमें 100 ग्राम का गोल्डन और जो है यूनिक सबसे अच्छा चलने वाला जो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद कुछ बड़ी पैकेजिंग में आपको इस तरीके की चीज़ों पे भी देखने को मिलेगी जो कि 500 ग्राम पैकिंग में होती है, ये रेड बॉटल्स में आपको दिखेंगी। उसके बाद पिंक बॉटल में हमारे पास 500 ग्राम में और भी ऑप्शंस हैं, और जो इसके साथ हमारे पास 1 kg की पैकेजिंग भी आपको मिल जाएंगी। सो फिर आज की इस वीडियो में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सो ज्यादा समय खराब ना करते हुए बात करते हैं हम अपने टॉपिक्स के ऊपर। सो फिर जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मशाला अगरबत्ती की काफ़ी सारी वेराइटीज हम लोगों के पास अवेलेबल है, जिसमें से काफ़ी सारे यूनिक फ्लेवर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फ्लावरी नोट्स हो गया, वुडी नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, फैंसी नोट्स की काफ़ी सारे जो है मसाला अगरबत्ती की रेंज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक बेसिक रेंज से लेकर मीडियम रेंज और हाइएस्ट रेंज तक की काफ़ी सारी वेराइटीज हम लोगों के पास अवेलेबल है, जिसमें से काफ़ी सारे कस्टमर्स में जो है परचेज भी किए, प्लस मार्केट में उन्होंने प्रोडक्ट बेचने को लेकर काम भी किया और काफ़ी अच्छा उनको जो है उनके कस्टमर से रिस्पॉन्स मिला। इसी बीच ये क्वेश्चन होता है कि सर आपकी मशाला अगरबत्ती तो हम लोग खरीद ही रहे हैं और जो है इसके पैकेजिंग के बारे में आप कुछ आइडिया दीजिए, बेसिकली एक हमें जो है ब्रांडिंग करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों के मन में होता है क्योंकि जो मार्केट्स में काम कर रहे हैं और जो उनको जो है एक लॉन्ग टर्म अगर काम करना होगा तो ब्रांडिंग में एटलीस्ट जाना पड़ेगा ही, और ये इतना पॉसिबल भी नहीं होता क्योंकि जो इसकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो काफ़ी लंबी है और काफ़ी ज़्यादा आपको अमाउंट डालना पड़ जाता है। रीज़न क्या है, जो जीपर्स होते हैं, जो जीपर पाउचेस आप देखे होंगे 75 या फिर 80 MRPs, 100 MRPs या 150 और 250, इतने प्राइसिंग में अलग अलग प्राइसिंग में जो है जीपर्स बनते हैं, और जीपर जो है इसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। पहली चीज़ उसके लिए काफ़ी लंबी आपको क्वांटिटी देनी पड़ती है, कोई आपको 100, 50, 200, 500 पीस छाप के नहीं देता, इसके लिए सीधा जो है बड़ी क्वांटिटी को लेकर बात होती है, जिसमें से 100 kg से लेकर 200-300 kg तक का जीपर के पाउचेस आपको छपवाने पड़ते हैं जो कि काफ़ी लंबा इन्वेस्टमेंट होता है। सो फिर इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा सॉल्यूशन पे काफ़ी सस्ता और अच्छा मैं बोलूं, और ये जो ऑप्शन है इससे मार्केट में इससे बड़ा ऑप्शन और देखने को आपको नहीं मिलेगा, लो इन्वेस्टमेंट रहेगी, जितनी क्वांटिटी में आप करवाना चाहो कर सकते हो, हालांकि थोड़ा प्रोफेशनल से ये नीचे आ जाता है, बट कोई बात नहीं, अगर इतने कम खर्चे में चीज़ें हो जा रही है तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना। सो इसी के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मैं आपके बीच रखा हुआ हूं, जिसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एक कम बजट में एक अच्छा ब्रांडिंग और एक अच्छा जो है आप पैकेजिंग किस तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास है मसाला अगरबत्ती में जो काफ़ी समय से चली आ रही है जो कि रोल पैकिंग में होती हैं, करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको बटर पेपर जो है काफ़ी सस्ते दामों में आपको बटर पेपर मिल जाएंगी, इसको एक बराबर शेप में आपको कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद देन आप जैसे मेरा ब्रांडिंग देख रहे हो श्रीराम प्रीमियम अगरबत्ती के नाम से, इस तरीके की आपको लेबल जो है लगा लेनी है और 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम जितने साइज में आपको रोल पैकिंग करना हो आप कर सकते हो, ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हमने करके रखी हुई हैं, जिसमें से ये है आपके पास गुरु पूजा। सो फर्स्ट ऑप्शन ये है जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपका ब्रांडिंग भी हो गया, यहाँ पे आप टैगलाइन भी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर एड्रेस कंप्लीट एड्रेस वो भी दे सकते हो, कस्टमर जो भी इसको यूज़ करेगा प्रोडक्ट उनको अच्छी लगेगी, एड्रेस देखेगा वो
इस नाम से ये प्रोडक्ट आ रही है, दुकानदार से रिक्वायरमेंट करेगा कि भाई इस नाम की हमको जो है अगरबत्तियाँ चाहिए, तो बात ये हो जाती है। दूसरा ऑप्शन मैं बोलूँ तो पैकेजिंग का आता है, जिसमें से आपको ट्रांसपेरेंट खुला पैकिंग आएगी, जिसमें से आप देखोगे तो ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट आपको दिख रही होगी, जिसमें से प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर दिख जाती है कि किस तरीके की अगरबत्ती फिल की गई है। इसमें भी वही ऑप्शन है, एक स्टिकर आप बनाइए, लेवल स्टिकर का कॉस्ट बहुत ही कम होता है, एक स्टिकर की कॉस्ट मैं बताऊं तो मोर देन 50 पैसे से ज़्यादा आपका नहीं पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके की ये जो है 3 इंच में 10 इंच की लॉन्ग स्टिक जो है पैकेजिंग आ जाती है, जिसको ट्रांसपेरेंट बप्पो पैकिंग कहा जाता है। सो इस टाइप की जो है पैकिंग की जा सकती है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, तो आगे आपको देखने को मिलेगा कुछ अगर आपको बड़ी पैकिंग करनी होगी तो किस इस तरीके से आप पैकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं जार को लेकर, इसमें से काफ़ी सारे अलग अलग जो पैकेजिंग जार जो है अवेलेबल है, जिसमें से आपको गोल्डन जार जो है काफ़ी अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि लोग इसको एक प्रीमियम सेगमेंट की चीज़ें मानने लग गए हैं, और इसमें जो भी चीज़ें पैकिंग होगी वो प्रीमियम कैटेगरी में ही बिकती हैं, जिसमें से आपका 100 ग्राम से लेके 250 ग्राम और जो है 500 ग्राम और 1 केजी के भी ऑप्शंस हमारे पास मिल जाएंगे। सीधा सिंपल जो है इसमें ब्रांडिंग का ऑप्शन है, आप अपना एक स्टिकर लेबल बनवा लीजिए, उसके बाद आप इस बॉक्स में जो है लेबलिंग कर दीजिए, और उसके बेस में जो भी प्रोडक्ट्स के डिटेल्स हैं, फ्लेवर्स हो गए, अपना एड्रेस हो गया, ब्रांडिंग नेम हो गया, फ्लेवर्स के नेम हो गए, ये सारी चीज़ें आप कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग आप करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया लेवल प्रिंटिंग का खर्चा बहुत ही कम होता है, 50 पैसे में भी आपका ब्रांडिंग तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसकी क्वांटिटी की कोई बाउंडिंग नहीं है, आपको 100 पीस चाहिए, 50 पीस चाहिए, 500 पीस चाहिए, 1000 पीस चाहिए, जितना आपके मर्जी। आप इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम जा रहा है और आप अपने तरीके से काम कर सकते हो। बाय द वे, मार्केट में किसी रीजन से आपको चीज़ें चेंज करनी है तो लेबल स्टिकर आप चेंज कर दीजिए, आपका ब्रांडिंग चेंज हो गया, नाम आप चेंज कर दीजिए, अगर नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा, बाय द वे ये श्री राम के नाम से है, मैंने कोई और ये नाम मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को चेंज करनी है, स्टिकर लेबल चेंज कर दीजिए, ये सारे ऑप्शन जो है आपको इन्हीं सारी चीज़ों में मिलेंगी। सो ये तो हो गया एक बेसिक डिटेल और एक आइडिया, और इसके बाद जो बात आती है कि ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ। सो फिर इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, आप इसके बेस में इंक्वायरीज या फिर बेसिक डिटेल आप जानना चाहो तो आप कॉल या व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं। आपको बॉक्स से रिलेटेड, पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, और देन जिसमें आपको काम करना हो, चाहे ये वाइट लेवल प्रिंटिंग हो गई, या फिर आपको ये जो है रोल पैकिंग में काम करना हो, या फिर आपको छोटी कंटेनर्स हो, या बड़ी कंटेनर्स हो, या फिर उससे बड़ी कंटेनर्स हो, जिसमें भी आपको अगरबत्ती फील करनी है और एक छोटा ब्रांडिंग आप कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, मिलते हैं आने वाले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।